गाइस व्हाट्स अप माय सेल्फ फॉर्म एनी पॉइंट फ्रॉम एनी स्टडी। तो आज के स्टूडियो में हम लोग चैप्टर वन केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ये दोनों टॉपिक भी बहुत इजी है एंड इसके एग्जांपल्स आप अपने डेली लाइफ में भी यूज के देखते हैं कि कैसे कैसे होता है और इसके इफेक्ट भी आप लोग देखते हैं। एंड ये लास्ट टॉपिक है इसलिए हम लोग उसको ज़्यादा टाइम में नहीं ख़त्म करेंगे। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो होगी एसिड बेसिस एंड साल्ट। तो जो बच्चे अभी तक इस बैच में नहीं ज्वाइन हुए हैं वो बच्चे जुट जाएं क्योंकि हर रोज़ एक एक वीडियो आती रहती है। एंड बहुत सारे बच्चों ने अभी तक इस बैच को मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए हर वीडियो को क्योंकि उससे मोटिवेशन आता रहता है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो हम लोग का पहला टॉपिक है कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है कि जैसे देखिए इसका मतलब डेफिनेशन क्या है। When a metal is attacked by substances around it such as moisture, acids etc. तो जब कोई सबस्टेंस मतलब जब कोई मेटल अटैक्ड किया जाता है जैसे कि कोई मॉइस्चर हो गया, मॉइस्चर है और एसिड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेटल के अराउंड में रहती हैं, एयर में मौजूद रहती हैं, मॉइस्चर होता है जैसे कि, और वो मेटल पे अटैक्ड करती हैं किस मतलब कि वो मेटल पे अटैक करती है उसके ऊपर ऑक्साइड बना देती हैं। तो ऐसे ही जब मेटल के ऊपर कोई कोटिंग हो जाती है तब हम उसको कहते हैं कोरोजन होना। तो जैसे हम लोग के डेली लाइफ में एक एग्जांपल है रेडिश ब्राउन कोटिंग इन ऑन आयरन। तो जैसे कि हम लोग के डेली लाइफ में एक इफेक्ट देखने को मिलता है, ये इफेक्ट कि आयरन के सब्सटेंस जो होते हैं वो रस्ट हो जाते हैं, जैसे उसमें मुरचा लग जाता है। तो उस इफेक्ट को वो कैसे होता है, कोरोजन से ही होता है, मतलब कोरोजन ही उसको कहते हैं और मॉइस्चर से अराउंड एयर में मॉइस्चर जो होता है उससे वो रस्ट हो जाता है। एंड नेक्स्ट जो एग्जांपल है ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। आपने सिल्वर को भी नोटिस किया होगा सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग हो जाती है, तो वो भी इसी कारण से होती है, एसिड मॉइस्चर इसी कारण से। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी अब क्या होता है कि वेन फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड और ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। तो इसका मीन क्या है, अब जैसे ये भी हम लोग के डेली लाइफ में इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है कि जैसे कि ऑयल कंटेनिंग फूड है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग जो फूड होता है वो अगर आप ओपन में रख देंगे, जैसे कि अगर आप उसको किसी स्टोरेज में नहीं पैक करके रखें तो वो रेंसिड हो जाएगा, यानी कि उसका जो टेस्ट होता है वो ख़राब हो सकता है, ख़राब हो जाता है, उसके ऊपर कुछ अजीब अजीब टेस्ट आने लगता है और स्मेल भी उसका अलग हो जाता है। तो उसी को हम लोग उसी इफेक्ट हो जाते हैं रेंसिडिटी। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि एंटी ऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल्स। तो इसमें हम लोग को क्या बोला गया है कि एंटी ऑक्सीडेंट क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, ये सब किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इसको हम लोग एंटी ऑक्सीडेंट बोलते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं। और इसको हम लोग को ये हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है, जो हम लोग के चिप्स के पैकेट्स होते हैं उसमें ये भरे जाते हैं, अरे जो नाइट्रोजन होता है नाइट्रोजन उसमें फिल किया जाता है और क्या फिल किया जाता है, आर्गन भी फिल कर लिया जाता है। तो नाइट्रोजन ज़्यादा होता है तो वो उसको क्रिस्पी बनाए रखता है और इसीलिए वो रेंसिड नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग को फैट कंटेनिंग फूड को ओपन में नहीं रखना चाहिए। तो आई होप कि आपको पूरे चैप्टर के हर टॉपिक क्लियर हो गए होंगे और मैंने ऐसा एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है कि आप उसमें डाउट फील करें। एंड हर टॉपिक को मैंने इजी टर्म्स में समझाया, जैसे इजी वर्ड्स में समझाया कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एंड जो बच्चे स्टार्टिंग देख रहे हैं तो उनको तो थोड़े से भी डाउट नहीं है, एंड जो बच्चे बीच में से आए हैं या तो एंड से आए हैं तो वो बच्चे स्टार्टिंग से देख लें क्योंकि हर वीडियो में ज़्यादा मिनट नहीं दिए गए हैं, अबाउट 5-6 मिनट दिए गए हैं, अंडर 10 मिनट्स के अंदर ये सब है। तो अगले वीडियोज में हम लोग एसिड एंड बेसिस के टॉपिक्स को कवर करेंगे एकदम डिटेल में, हर टॉपिक में एक वीडियो बनेगी जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, आपको देखने में मज़ा आएगा और समझने में भी मज़ा आएगा। तो इन्जॉय करिए वीडियो को और इस सेशन को एंजॉय करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।